स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बेस्ती और बंदे तीन बैठते हैं और चला क्या चाहिए सब। मैं मार्कशीट लेंगे एक चेंज करवाने हैं। आइए। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज का ब्लॉग भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ही घर से, वो भी मॉर्निंग में। तो आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग भी बना लेते हैं। मैं वहाँ पे 3 साल पहले पढ़ती थी तो आज मेरी वहाँ पे डिग्री आ चुकी है जो कि सभी स्टूडेंट ने ले ली, एक बस मैंने ही नहीं ली है, मैं सबसे लास्ट में रहती हूँ। तो सोचा कि डिग्री लेने के बहाने थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, व्लॉग में भी दिखा देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि आज वैसे भी वहाँ पे मेरा लास्ट डे होगा डिग्री के बाद, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊँगी। तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी जा रहा है जो कि अभी अंदर ही है, वो आ रहा होगा। चलो आ गया ये भी। चलो बैग ले लिया, अभी हम घर को लॉक कर रहे हैं। ले लिया तूने बैग? ले लिया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे डाल दिए खुद ही? देखा मेरे छोटे भाई को कितना ध्यान है, मेरे से ज्यादा ये ध्यान रखता है। इसने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके रखे हैं जो कि वहाँ पे चाहिए हमें। चला लेगा स्कूटी? स्कूटी का बुलेट चला रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं अपनी स्कूटी लेके यूनिवर्सिटी में। तो आगे मेरी फ्रेंड भी आ रही है, तो उससे भी कौन आ रही है? मोटी दी। मोटी दी सी। तो कल्याणी भी आ रही है तो मिलते हैं उसके साथ। चलो चलते हैं, अभी निकल रहे हैं अपने घर से, तो स्कूटी को स्टार्ट करते हैं अभी। मेरे भाई ने तो स्कूटी ऑलरेडी बाहर निकाल के रखी है, उसको तो इतना शौक है ना स्कूटी चलाने का, बस उसको स्कूटी मिलनी चाहिए। अब देखो ये देखो, पहले ही इसने स्टार्ट करके रखी है। चलो निकलते हैं, बड़ी ज़्यादा फास्ट रहता है भाई। हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अब इसने पेट्रोल डलवाना है। उतारना इसे ज़रूर होता है मुझे, है ना? दूसरे लड़ा दो यार, हालत देख रहे हो मेरी, आंखों से पानी आ गया मेरा। इसकी शक्ल देखना, नाक तेरा खुद बह रहा है। फास्ट क्यों चलाता है फिर? क्या आता है? मजा। इधर देखे बोलना, मजा। और जो मेरी आंखों से पानी आ रहा है वो सजा, मेरे को सजा मिल रही है मेरी आंखों से पानी। स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बेस्ती। बेस्ती। यार इसको भी बंद होना था। कर कर हो गई, हो गई। चलो बैठते हैं। ऐसे होना पैदा किए मुझे, फिर कैसे पैदा किए तेरे को? चलो चलते हैं अब कल्याणी के घर के पास। पिछली बार की तरह आज भी कल्याणी नहीं मिली, अभी वो आएगी यहाँ से। क्या हो गई है? लेट हो गई है वो। चलो उसका यहाँ पे अब वेट करते हैं। बुला के जा, बुला के ला, जल्दी ला। अब ये जा रहा है उसको बुलाने के लिए। वैसे कल्याणी ने तो अपनी डिग्री ले ली है, बस मेरी रहती है वहाँ पे। तो कल्याणी मेरे साथ, मतलब जो जो मुझे डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे नहीं पता चलेगा वो वहाँ पे मेरी हेल्प करवा देगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले वो ले लिया, उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने वहाँ पे लगा दिए हैं। तो वैसे भी यूनिवर्सिटी का ये लास्ट ब्लॉक, यूनिवर्सिटी का क्या लास्ट, मतलब हम ही वहाँ पे लास्ट टाइम जा रहे हैं, इसके बाद तो वहाँ पे जाना नहीं, क्योंकि डिग्री तो मिल ही जाएगी। तो ये लास्ट टाइम हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो सोचा फिर कल्याणी को भी साथ में लेके चलते हैं। लगता है कि वो अब आ गया, उनकी आवाज़ तो आ रही है। जो आ गया शिवाय, कहाँ पे है? आ रही है, लेके आए उसको। लो ये भी आ गई कल्याणी। क्या हाल है? ठीक है, तू बता। बैग शेयर कहाँ? मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ना, बैग कुछ भी नहीं। पैसे कुछ भी नहीं, फोन। पैसे तू लगाती है ना? पैसे किसने लगाने आज? इसके पास है, इसके तेरे पास है, तेरे पॉकेट में डाल लेते पैसे है तेरे पास। अब एक स्कूटी गरीब बंदा, एक स्कूटी पे अब 3 जने बैठेंगे, बैठ जाएगी पक्का, बैठ जाएगी। चला लेगा तू यहाँ पे, जगह मिलती है हर बार यहाँ पे, चला लेगा तीन को बिठा के। तीन बैठते हैं और चलाने वाले की शक्ल देखो। सिक्योरिटी वाले भी हैं और एक जने बैठे हुए हैं अंदर, तो उन्हें जाने देना, फिर क्या करना है? गुड़िया जी को पीछे उतार देंगे, पीछे उतारना है। तूने हेलमेट भी नहीं पहनी हुई है, तेरे को जाने देंगे वो? ऐसी की ऐसी क्यों नहीं जाने देंगे, दो बंदे हैं तीन होने, हेलमेट नहीं पहनी है ना पिछली बार भी, हेलमेट को मार गोली, मारने को। चलिए यूनिवर्सिटी आ गई है, अब कल्याणी को उतारना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आगे तीन को तो जाने नहीं देंगे। ये रही यूनिवर्सिटी हमारी, प्लीज को उतार देते हैं फिलहाल, पीछे से आइए पैदल चल चल के। यार तीन बंदे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, चल चलो चलते हैं यार। जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे, हेलमेट पहनी हुई है, फिर देखते क्या बोलता है। मेरे को इतना गंदा फील हो रहा है ना, मतलब यार कैमरे का पता ही नहीं चला सिक्योरिटी वालों के साथ, उनसे बात हो रही थी वहाँ पे, मेरे को लगा कैमरा ऑन है वो रिकॉर्ड हो गया होगा, अब आके पता लग रहा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कैमरा ऑफ हो गया था। बड़ा गंदा लग रहा है, और इसको देखो नमूने को, कल्याणी को पीछे उतार दिया यार।
ये कल्याणी आ रही है लेकिन आ कैसे रही है यार देखना, मतलब चल स्लो मोशन कर रही है क्या, ओ की चाल चल रही है। ओहो इसकी टांग को लगी हुई है, लेकिन मेरे को बड़ा गंदा लग रहा है यार, बड़ा इधर हो गया मोए मोए दोनों के साथ मोए उसकी टांग को लगी और मेरी भी यार बेटी होने बनी वो यार वो नहीं हुआ हमारा कंटेंट मेरी। फाइनली हम अपने डिपार्टमेंट जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी देख रहे हो कौन से जंगल एरिया में बनी हुई है, डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। यहाँ से पहले मैंने मार्कशीट लेनी है जो कि मेरी एक मार्कशीट गलत हो गई थी, उसको चेंज करवाने के लिए दिया था। तो ये रहा डिपार्टमेंट, अंदर आओ। नहीं चढ़ रही, उसकी लड़की की गलती है। और ये हमारी 3 साल पहले की क्लास थी। हाँ यार तेरे को याद आती है क्लास? नहीं आती क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल इधर यूनिवर्सिटी में कोई फ्रेंड नहीं है ना। हमारा से भी मतलब 3 साल में बस हम दो थे कि जो कि पूरी क्लास के साथ बनी नहीं। तो ये थी हमारी क्लास, अब हम नीचे जा रहे हैं ऑफिस में। चल ऑफिस में जाके मार्कशीट लेते हैं। रह गई अभी एक मैम और शाहिद सर हैं। मिले सर नहीं है यार, कोई सर को भी कॉल करते हैं यार, उनको ही पता है मार्कशीट का। मार्कशीट बड़ी जरूरी है, एक ही आती है। तो बस वो वाला फॉर्म है जो डिग्री वाला होता है। डिग्री वाला कौन सा? डीडी? डिग्री वाला फॉर्म। डिग्री वाला कौन सा? डिग्री के लिए जो अप्लाई करना है उसका वाला फॉर्म। वो पहले का कर दिया था? नहीं नहीं लिखा है उसने उस पर। क्या लिखा है यार उसका? नहीं पहले सर को कॉल कर दो। हेलो पता नहीं कहाँ पे है। मार्कशीट होती है और ये हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है ना, सबसे पहले जब एडमिशन ली थी न्यू। अभी तो बड़ा चेंज हो गया यहाँ पे, इतना बड़ा टीवी भी लग चुका है। टीवी और यहाँ के कारनामे, यहाँ के कारनामे देख रहे हो? ये देखो भाई चिटिंग। और भी इधर हो यार। हाँ ये देखो ये इतना सा ये, ओह माय गॉड। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे दीवार लिखी हुई थी जब हम यहाँ पे न्यू एडमिशन लेके आए थे। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी ना, मतलब कि हर एक टीचर आके यहाँ पे चेक करता है। HOD ने भी आना है, मतलब शाही सर है जिनके साथ हमारी बनी नहीं ना अभी इसकी तो बिल्कुल नहीं बनती इसकी बिल्कुल नहीं बनती है। और जो अभी के स्टूडेंट हैं उनके देखो काम। cujammu.org ठीक है, उस पे जाके सारे फॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है अभी तो मंडे को बता देंगे। हां ठीक है। क्या हुआ? अभी आजकल लास्ट दिन होगा लेकिन आज भी मेरा एक रिजल्ट नहीं मिला लेवल 5 का, पर बोले मंडे को आ जाना। मतलब बार बार कौन चक्कर लगाया यार, इसका तो मिल गया। उसने मेरी हेल्प की ना पूरी, मेल चेक कर ली लेकिन रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट नहीं मिला, डिग्री कहाँ से मिलेगा? वो बोलेंगे मंडे को आना। और थक गए हैं भाई, चलो अब निकलते हैं। मिली तो नहीं डिग्री, मंडे को देखते हैं। मंडे को आते हैं ले लेंगे डिग्री, तो भाई चाहिए ही चाहिए, अब इंपॉर्टेंट है बड़ी ज़्यादा। कल निकल चलो, जिस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में आए थे वो चीज़ तो नहीं मिली। वो बोल रहे हैं कि मंडे को आना, मंडे को आपको डिग्री मिल जाएगी। आज तो नहीं मिली। और ये क्या हुआ? मेरे भाई को भी लग रहा था कि जो मतलब पहले भी मतलब बड़े सारे चक्कर लगाए आज फाइनली डिग्री मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। एक सेमेस्टर का वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो बोल रहा है मंडे तक टाइम लगेगा। मतलब मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं सारे बच्चों को मिल गई है डिग्री एक बस मुझे छोड़ के। अब वो बोल रहे मंडे को आना, आपको मंडे को मिल जाएगी। तो मुझे लगा था कि ये मतलब कि यूनिवर्सिटी आना मेरा लास्ट टाइम होगा, इसके बाद नहीं मैं आऊँगी, लेकिन मुझे दोबारा आना पड़ेगा। आएगा मेरे साथ? आएगा बोलना यार। चलते हैं घर पर ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बकरियाँ, बंदर गधे, गायें जाएंगी
क्या बोल रही है ये, मतलब जंगल एरिया में आपको सब कुछ मिलेगा जो कि जंगल में होता है। अरे यहाँ पे सबसे बड़े जानवर कौन है? हम है, ये बोल रहा हम। चलो स्कूटी स्टार्ट कर दी, अब सीधे चलते हैं स्प्रिंग रोल खाने के लिए, जो कि इसने खाने हैं। हमने नहीं खाने है। हमने भी खाने खाने हैं, ये देखो वहां खाने हैं ना। तू पैसे लेगी? ठीक है चलते हैं। अब गुड़िया दीदी को अपना फिर से उतार देते हैं, इनके सिक्योरिटी वाले पूछ लगते हैं। तो अभी यहां पे उतार दिया, हम चलते हैं। चल बोल, ये देखो जैसे हमने बताया था हमारी यूनिवर्सिटी में भेड़ बकरियां भी आती हैं और ये सारी। चल तू इनके साथ साथ हम चलते हैं आगे। ठीक है, कल्याणी भी आ गई है। अब स्प्रिंग रोल खाने के लिए, और इसने क्या ऑर्डर किया? ये बोल रहा था हॉट डॉग, मैं बोली स्प्रिंग रोल। हाँ तो स्प्रिंग रोल भी तो ऑर्डर किया है ना तूने। ओ उसको देखो, ये पहले ही स्टार्ट हो गया खाने। दोनों देखो कैसे लगे हुए खाने के लिए। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं अपनी साइड से फुल ट्राई कर रही हूँ कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ब्लॉग बने। मेरे ब्लॉग में ज़्यादा मतलब मसाला या तड़का तो कुछ है ही नहीं, मतलब सिंपली ब्लॉग चल रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब मैं सीख पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।